हेलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, वैद्युत धारा तथा ओम का नियम। यह क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत धारा, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है और धारा में दिशा होती है कि नहीं होती है, ये भी जानेंगे। यहाँ पर बहुत सारे हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक जानेंगे, तो आइए हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं वैद्युत धारा। देखिए, वैद्युत धारा हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और आवेश के बारे में हम लोगों ने पहले से बहुत अध्ययन कर रखा है। पहले ही चैप्टर में जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए थे, तो पहले ही चैप्टर में आवेश को बहुत डिटेल से अध्ययन किया था। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, आवेश जब फ्लो करता है तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और वैद्युत धारा को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? आई से। हम लोग समझते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते क्यों हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर एक कंडक्टर हम लोग लेते हैं, कोई चालक पदार्थ ले लिए। ये चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसे जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, जब इसे किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, मान लेते हैं वी पोटेंशियल की एक बैटरी होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस साइड में मूव करने लगेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं, पॉजिटिव की ओर चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की ओर चलते हैं, जिससे इनमें धारा जो होती है निगेटिव की ओर बहने लगती है, अर्थात इसमें धारा ऐसे बहती है। तो धारा इस प्रकार से बहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन आने का आशय है क्यू इक्वल टू एन ई होता है? एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम लोग क्या पता कर लेते हैं? आवेश पता कर लेते हैं। तो यही जितने आवेश आते हैं, जितने समय में आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ जाते हैं, या एक सिरे से दूसरे सिरे को पार करके आ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा की परिभाषा क्या है? कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या किसी एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग जब बनाएंगे यहां पर, तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जैसे हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पर हम लोग चाल की परिभाषा क्या देते थे? कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर भी क्या है कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? यहां पर हम लोग समय को एकांक के लिए है, यहाँ पर क्या करते हैं? आवेश कर दें। तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कह देंगे? धारा कह देंगे। वो भी कौन सी धारा? वैद्युत धारा कह देंगे। आसानी से हम लोग क्या फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा इक्वल टू हो जाएगा प्रवाहित आवेश, या आप आवेश ही लिख सकते हैं। आवेश अपान क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। वैद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई इक्वल टू आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो इस प्रकार से यह एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। इसकी मात्रा का, इसके मात्रा की बात किया जाए तो मात्रक हो जाएगा इसका होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकेंड, आवेश का मात्रक कूलाम पर सेकंड। मतलब वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एम्पियर इक्वल टू
कूलाम पर सेकेंड, एम्पियर इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड, एम्पियर इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड। देखिए हम लोगों ने जाना कि वैद्युत धारा क्या होता है, कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, फिर वैद्युत धारा का जो सूत्र है वो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फिर उसके बाद हम लोगों ने मात्रक जाना कि एम्पियर इक्वल टू कूलाम पर सेकंड, या वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, एम्पियर क्या होता है। तो देखिए अगर एम्पियर की परिभाषा ऐसे दिया जा सकता है कि अगर हम लोग किसी चालक में मान लेते हैं कि यहां पर कोई चालक पदार्थ है, यहां पर कोई चालक पदार्थ है, यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन क्या है ए है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ए है। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तो ये मानते हैं कि यहां से टी समय में, टी मतलब एक टी इक्वल टू कितना ले लें, एक सेकंड ले लें, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या हो एक कूलाम, मतलब इस सिरे से इस सिरे तक एक कूलाम आवेश, क्यू इक्वल टू एक कूलाम आवेश यहां से चलकर यहां तक आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक एम्पियर धारा कहेंगे, एक एम्पियर धारा कहेंगे। तो एम्पियर की जो परिभाषा आएगी हमारे पास, एम्पियर की जो परिभाषा लिखेंगे, एम्पियर इक्वल टू, एम्पियर इक्वल टू किसी चालक में, किसी चालक में एकांक समय में, एकांक समय में यदि प्रवाहित होने वाला आवेश एक कूलाम हो तो उसमें एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। या एम्पियर की परिभाषा एक और तरीके से दिया जा सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको यही यही परिभाषा लिखना होता है। यहां पर मानते हैं, यहां पर मानते हैं कि निर्वात में दो लंबे समांतर चालक तार रखे हुए हैं, मतलब दो लंबे समांतर चालक तार रखे हुए हैं। ये कहां पर रखे हुए, निर्वात में रखे हुए हैं, समांतर रखे हैं, दूसरे के जैसा दिखाई दे रहा है, निर्वात में रखे दो लंबे समांतर चालक तार जिनके बीच की दूरी यहां से, इनके बीच की दूरी कितना है एक मीटर है, जिनके बीच की दूरी कितना है एक मीटर है, जिनके बीच की दूरी एक मीटर हो, में इतनी प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, में इतनी प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना हो जाए 2×10⁻⁷ न्यूटन का हो जाए, तो कहा जाएगा कि इनमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितना हो रहा है, एक एम्पियर हो रहा है। तो इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, एक एम्पियर हो रहा है। फिर से सुनिए परिभाषा, निर्वात में रखे दो लंबे समांतर चालक तार जिनके बीच की दूरी एक मीटर हो, में इतनी प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल 2×10⁻⁷ न्यूटन का हो, तब कहा जाएगा कि इनके बीच जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर किसी चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी चालक में, यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, यदि किसी चालक में, क्वेश्चन जो है, यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा, एक एम्पियर की धारा एक सेकंड में प्रवाहित होती है, एक सेकंड में क्या हो जाती है, प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होने वाले या गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं यहां पर देखिए आपको I की वैल्यू दे दिया गया एक एम्पियर, कितना दे दिया गया एक एम्पियर दे दिया गया, टाइम कितना दे दिया गया आपको एक सेकंड दे दिया गया है, टाइम कितना दिया गया एक सेकंड दिया गया है। तो यहां पर I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहां पर देखिए I की वैल्यू 1 रखेंगे, Q इक्वल टू एन ई रखा जा सकता है, और ये यहां पर T की वैल्यू 1, तो यहां पर एन ई इक्वल टू 1 हो जाएगा, जबकि E की वैल्यू हम लोग जानते हैं
1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसे जब सॉल्व करेंगे n इक्वल टू आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कहने का आशय यह है कि यदि किसी चालक में एक एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, वो भी कितने एक सेकंड में एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित होंगे, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इसे एक दो बार सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। ये आपको नंबर याद रखना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अगर एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही हो तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको बताना होगा 6.25 इनटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। या आसानी से, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, वैद्युत धारा में डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, वह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, वैद्युत धारा की दिशा, देखिए देखिए यहां पर एक वायर, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी और सी, यहाँ ए बी एक वायर जोड़ा गया है और यहाँ पर सी बी एक वायर जोड़ा गया है और यहाँ से ओ पॉइंट पर जाता है करंट। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिशा है ए बी वायर में इस डायरेक्शन में जा रहा है और सी बी में इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आगे दोनों मिलकर 4 और 3 हो जा रहे हैं, 4 और 3 मतलब 7 आ जा रहा है, 7 एम्पीयर की धारा प्रवाहित तो हो रही है। ठीक है, तो क्या यह सदिश राशि है, इस बेसिस पर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं, सदिश राशि अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ क्या होता है या परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्या कहलाते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन इतनी परिभाषा किसी सदिश राशि को डिनोट करने के लिए सफिशियंट नहीं होती है, हम लोग उसके साथ एक वर्ड और जोड़ेंगे, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और वह वेक्टर के नियम का पालन भी करती है, मतलब सदिश के नियम का पालन भी करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अब यहां पर देखिए 3 एम्पियर और 4 एम्पियर मिलाकर 7 एम्पियर हो रहा है करंट। ठीक है, अब देखते हैं कि यह वेक्टर के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो वेक्टर के नियम का पालन करने के लिए देखिए यहां पर क्या करते हैं, ये ऐसे डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और इसे ऐसे डायरेक्शन में लाने के लिए ये यहां पर जोड़ते हैं, तो ये 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर की धारा, इसे जब हम लोग इसका रिजल्टेंट लेते हैं तो यहां पर इसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर का आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये R इक्वल टू या R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा के रूल को फॉलो करना चाहिए, तो 5 एम्पियर आना चाहिए, जबकि R कितना आ रहा है, 7 एम्पियर आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वैद्युत धारा में दिशा होने पर भी यह बीजगणित, मतलब ये कह सकते हैं कि वेक्टर के नियम का पालन नहीं करता बल्कि साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, इसलिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, या इसे हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं टेंसर राशि। क्या कहते हैं? टेंसर
राशि, तो हम लोग ये कह सकते हैं विद्युत धारा अदिश राशि होती है या टेंसर राशि होती है। आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत जगह पूछा है विद्युत धारा कैसी राशि होती है, सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश या आदिश कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो वहां पर आपको अदिश राशि लगाना होता है, या ऐसे ऑप्शन दे देता है विद्युत धारा कौन सी राशि है, पहला नंबर सदिश दे देगा, दूसरा टेंसर दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा, तो वहां पर आपको क्या लगाना होता है, टेंसर राशि लगाना होता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको देंगे, जब कहीं पर अदिश हो तो वहां पर अदिश लगाना होता है, जब अदिश नहीं होता तो वहां पर टेंसर राशि लगाना होता है। अब हम लोग जानते हैं विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए वैद्युत धारा जो होती है दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पहला नंबर बात करेंगे अस्थाई वैद्युत धारा, इसे बोलेंगे स्टेडी फ्लो, स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा बात करेंगे, पहले इसे जान लेते हैं फिर दूसरा बात करते हैं, अस्थाई विद्युत धारा स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वह विद्युत धारा जिसमें समय के साथ, या वह विद्युत धारा जिसमें आवेश समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, कांस्टेंट बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई विद्युत धारा कहते हैं। वह विद्युत धारा जिसमें आवेश समय के साथ कांस्टेंट बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जो परिभाषा हम लोग विद्युत धारा की पढ़े थे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू अपॉन, ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा इसका पढ़ते हैं, परिवर्ती विद्युत धारा, क्या पढ़ेंगे दूसरा, पढ़ेंगे परिवर्ती विद्युत धारा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट। देखिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट, पहले में जैसे हम लोगों ने जाना कि वह विद्युत धारा जिसमें आवेश समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी विद्युत धारा कहते हैं। इनमें क्या होता है, वे विद्युत धारा जिसमें आवेश समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, जिनमें आवेश क्या होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे फार्मूला, अगर आएगा तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी ऐसा लिखेंगे, और मैं इसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, तो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मात्रा क्या होगा, कूलम्ब बटे सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर होता है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, समय के साथ आवेश भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। मतलब कभी ऐसा होगा कि एक सेकेंड में 10 आवेश जा रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि एक सेकेंड में 50 आवेश जा रहे हैं, मतलब आवेश के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, समय के साथ आवेश के मान में परिवर्तन होगा। तो ऐसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती विद्युत धारा कहते हैं, और जिसमें समय के साथ आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी विद्युत धारा कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आप लोगों के लिए, कि अभी तक आप लोग विद्युत धारा के बारे में जानते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग जाने कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, वो भी अस्थायी विद्युत धारा और परिवर्ती विद्युत धारा, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आवेश में। अगर आवेश कांस्टेंट बना रहता है तो अस्थायी विद्युत धारा होता है, और आवेश अगर परिवर्तित होता है समय के साथ तो परिवर्ती विद्युत धारा होती है। धात्विक चालकों में विद्युत आवेशों का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्शन, इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, देखिए विद्युत चालन यहां पर हम लोग
उस पदार्थ की बात करेंगे जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत चालक कहेंगे। अब जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसमें धारा क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, उनमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं या मुक्त अवस्था में होते हैं। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार हम लोग इसे समझ सकते हैं कि उनमें मुक्त कैसे होते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग एक परमाणु की बात कर रहे हैं, एक परमाणु की बात कर रहे हैं कि एक परमाणु में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर ये नाभिक है, नाभिक के पास ये पहला कोष है, पहला कोष में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये होंगे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, होंगे, और अगले कोष में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन और होंगे, मान लेते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये नाभिक रहा, ये क्या रहा, नाभिक रहा, नाभिक में जितने बाहर यहां पर आवेश होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, उतने ही यहां पर अंदर क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। तो अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन देखना कि जैसे जैसे यहां पर नाभिक है, नाभिक से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाती है, उनके बीच आकर्षण बल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अर्थात जितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन, ये कोष होगा और इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनके बीच आकर्षण बल कम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे बाहरी वाले कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें नाभिक के प्रति आकर्षण बल क्या होता है, नाभिक के प्रति आकर्षण बल बहुत कम होता है। अर्थात इनको हम थोड़ी सी भी ऊर्जा दे देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अपनी कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन सपोज करते हैं अगर मुक्त हो गया तो ये अपनी कक्षा छोड़कर क्या हो गया, चला गया। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर चला गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह धातुओं में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10^29, कितना होते हैं, 10^29, यह कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10^29, वो भी कितने, एक मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10^29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या में होते हैं। अब बात यह आती है कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10^29, जब इसमें कहीं से भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया गया है। सामान्य अवस्था में ऐसे चालक हैं तो उनमें कितने 10^29 इलेक्ट्रॉन है मुक्त अवस्था में, तो धारा इसमें प्रवाहित क्यों नहीं होती है। ऐसे भी अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं स्थिर नहीं रहते, ये भी गति करते रहते हैं। जबकि हम लोग अगर धारा की परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, मतलब उसमें एक धारा प्रवाहित हो जानी चाहिए, फिर भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कारण है। तो यहाँ पर हम लोग इन सभी का कारण देखेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, लगभग 10^29, और 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 10^29 मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धारा प्रवाहित होनी चाहिए, नहीं होती है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग जानने वाले हैं कि माध्य मुक्त पथ क्या होते हैं, श्रांतिकाल क्या होता है, अनगोन वेग क्या होता है, और इसी के आधार पर हम लोग ये भी डिफाइन कर लेंगे कि सामान्य अवस्था में उसमें धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है। आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चालक पदार्थ ले रहे हैं, एक चालक तार ले रहे हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन हम लोग मान लेते हैं कि ए है, जिसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे,
मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा रहे हैं ब्लू पेन से। ये इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां वो पहले नाभिक रहा होगा, नाभिक के कोष रहेंगे, कोष के बाद यहां पर अगले कोष से कहीं से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ होगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि यहां पर धनायन भी उपस्थित होंगे, धनायन भी उपस्थित होंगे ऐसे। जब ऐसे धनायन उपस्थित होंगे, अब देखिए ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, धनायन है। ठीक है, मतलब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, इसलिए इसको धनायन बोला जा रहा है। जब ये धनायन है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है कभी ऐसे मूव कर रहा है तो कहीं ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इनकी दिशा कोई निश्चित नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये धनायन से बार बार क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। ये धनायन से क्या होते हैं, बार बार टकराते रहते हैं और इनकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। जब इनका एवरेज लिया जाता है, एवरेज चाल लिया जाता है या एवरेज वेग लिया जाता है, तो वहां पर इनका वेग क्या आता है, शून्य आता है। इसी कारण से अब देखिए बार बार धनायनों से टकरा रहे हैं, तो जिस वेग से ये टकराते हैं उसे उष्मीय वेग या तापीय वेग कहते हैं। और यह वेग लगभग 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, जिस वेग से ये गति कर रहे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय वेग कहते हैं या तापीय वेग कहते हैं। और यह वेग लगभग 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि धारा प्रवाहित किसी चालक में सामान्य अवस्था में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है, तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि किसी चालक में रहने उपस्थित रहने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, जिससे वो धनायनों से बार बार टकराते हैं और उनकी दिशा निरंतर बदलती जाती है। उनकी दिशा क्या होती जाती है, निरंतर बदलती जाती है, जिसके कारण इनका औसत वेग जो लिया जाता है, जो औसत वेग लिया जाता है, औसत वेग जो लिया जाएगा वो औसत वेग क्या हो जाता है, शून्य होता है। औसत वेग जब शून्य हो जाता है तो इसी कारण से वहां पर जब वेग ही शून्य, मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, जब आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है तो धारा का मान भी क्या आ जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब ये शून्य हो जाएगा, इसका वेग शून्य हो जाएगा, तो आई भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि मेन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो देखिए इसे हम लोग देखेंगे, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, यह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धनायन से टकराया और फिर अगले धनायन से टकराने तक, मतलब किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त जो पॉइंट बोल रहे हैं इसे आपको अपने नोट्स में लिखना है, किन्हीं या किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के बीच, क्रमागत दो टक्करों के बीच, जैसे बात किया जाए कि इसमें से हम लोग निकाले हैं, ये धनायन है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, इससे आया टकराया, फिर आगे किसी, बात कर सकते हैं कि धनायन से टकराने पर मतलब यहां से टकराया आया होगा, यहां टकराया होगा, यहां से टकराने के बाद यहां, मतलब पहला टक्कर ये हुआ, दूसरा टक्कर ये हुआ, तो क्रमागत किन्हीं दो टक्करों के बीच के पथ को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के बीच तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ फ्री मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। किसे डिनोट करते हैं, माध्य मुक्त पथ को लेमडा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। और इसका मान बहुत कम होता है, लगभग 10^9 कोटि का होता है। कितना होता है, लगभग 10^-9 कोटि का होता है। अरे माध्य मुक्त पथ है तो ये मीटर में आएगा, 10^-9 मीटर का होता है, लगभग इतना होता है या इतनी कोटि का होता है, जो कि बहुत ही कम दूरी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं श्रांतिकाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, अब यहीं से देखिए, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो श्रांतिकाल इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे श्रांतिकाल, इसे नोट करते हैं श्रांतिकाल टाउ से, और इसका मान लगभग 10^-4 सेकंड होता है। कितना, 10^-4 सेकंड के बराबर होता है। तो इसमें हम लोगों ने दो क्या तीन चीजें हम लोगों ने जाना कि किसी चालक में सामान्य अवस्था में वैद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होता है, क्योंकि वो अनियमित गति करते हैं, बार बार टकराते हैं, तो इसी कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनका एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, शून्य होती है। सेकंड नंबर इसमें हमने जाना कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है, कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के बीच चले गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसकी कोटि क्या होती है, 10^-9 कोटि की होती है। फिर हम लोगों ने जाना श्रांतिकाल क्या होता है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, और इसका मान 10^-4 सेकंड का होता है। अब आइए हम लोग जो हमारा मेन है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसी को अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं। देखिए जब इसे बैटरी से जोड़ा गया तो यहां पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव की ओर आएंगे, और ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आएंगे। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इनको एक दिशा मिल जाती है, इनको निगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाती है, एक दिशा मिल जाती है। इस दिशा के कारण अब ये आना तो चाहते हैं, लेकिन ये बार बार किससे टकराएंगे, धनायन से टकराएंगे। तो बैटरी क्या करती है, जो भी वोल्ट कि यहाँ पे बैटरी दिया गया है, वो क्या करती है, सिर्फ इसे त्वरित करने का कार्य करती है। त्वरित करने का कार्य करने से आशा ये है कि इसको एक बल देती है, क्या करती है, एक बल देती है, जिससे यह टक्कर करती है तो ये उसी में टक्कर करने में खर्च हो जाती है। इसी कारण से वायर हमारा क्या हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। तो जिसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लगता है, इस फोर्स के कारण इसमें एक सूक्ष्म वेग आता है, इलेक्ट्रॉनों में क्या आता है, एक सूक्ष्म वेग आता है। इसी सूक्ष्म वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। जब इस चालक को बैटरी के बीच रख दिया जाता है तो बैटरी इसको क्या करता है, इसको विभवांतर देता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र देता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें एक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों में क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। त्वरण उत्पन्न होने का मतलब है कि F=ma, यहाँ पर त्वरण अगर उत्पन्न हो रहा होगा तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स क्या करता है कि पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, धनायन से टकरा रहे, तो अपनी ऊर्जा को मुक्त करके यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती थी, शून्य हो जाती थी, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती थी। लेकिन जब इसे वी वोल्ट, मतलब किसी वाह वैद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, तो इसमें एक फोर्स लगने लगता है। इसी फोर्स के कारण ये टकराकर आगे निकलते हैं और एक सूक्ष्म
वेग इसे प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को हम लोग वीडी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, वीडी से प्रदर्शित करते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो अनुगमन वेग की परिभाषा ये लिखेंगे कि जब किसी चालक को, जब किसी सामान्य चालक को किससे, बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बैटरी से जोड़े जाने पर उसमें एक सूक्ष्म वेग प्राप्त होता है, उस सूक्ष्म वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग जानने वाले हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। यह संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं और सीधा सीधा ये भी दे देता है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का निर्धारण कीजिए और सूत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और प्रॉपर नोट बना रहे होंगे आप लोग, आशा करता हूं मैं। तो देखिए यहां पर एक हम लोग चालक लेते हैं, एक चालक तार है, तार जैसे पतला होता है, यहां पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो चालक तार को किससे जोड़ दिया गया, किसी बैटरी से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं धन आयन की ओर, तो इसमें धारा किस डायरेक्शन में बहेगी, इस डायरेक्शन में, तो धारा इस डायरेक्शन में बह रही है। तो हम लोग बात ये कर सकते हैं, अब देखिए अगर इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो, इसका क्रॉस सेक्शन ए हो, इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो, ए हो, और लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो, एल हो, लंबाई क्या हो, एल, स्मॉल एल। और यहां पर अगर देखा जाए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा हो, अगर इसका वेग वीडी हो, अनुगमन वेग क्या हो, वीडी हो, हम इतने क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर इतने क्रॉस सेक्शन पर अनुगमन वेग वीडी हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए जब इस चालक पदार्थ को, इस चालक तार को बैटरी के वी विभवांतर वाले बैटरी से जोड़ दिया गया, वी विभवांतर वाले बैटरी से जब जोड़ दिया गया, तो जब वी विभवांतर वाले बैटरी से जोड़ा गया, तो देखिए यहां पर, यहां से n इलेक्ट्रॉन निकलकर एक सेकंड में एक यहां से ए सिरे से, या इसे हम लोग पी क्यू नाम दे देते हैं, पी क्यू, क्यू सिरे से n इलेक्ट्रॉन निकलकर पी सिरे पर चले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जब चालक को वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन इक्वल टू, मान लेते हैं स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ रहे होंगे, तो एन हो गया, ठीक है। वी वेग से जितने वेग जितना अधिक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अधिक आएंगे, तो एन वी डी हो गया। देखिए एन इलेक्ट्रॉन जो है आ रहे हैं, वेग कितना है वी डी, और क्रॉस सेक्शन जितना अधिक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एन वी डी इंटू ए कर दिए। और यदि एक सेकंड में इतना रहा हो, तो जितना टाइम अधिक होगा उतने अधिक आएंगे, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन वी डी ए इंटू टी हो गया। अब हमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होगी, आवेश का मान कितना है, आवेश अगर देखा जाए तो आवेश क्यू
इक्वल टू आवेश जो होगा वो q इक्वल टू एन ई होता। अब यहाँ पर n क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल n ई हो जाएगा। और q इक्वल टू रखेंगे यहाँ पर n वी डी ए इंटू क्या हो जाएगा t, तो इसे फॉर्म ऐसे लिख लेते हैं n e a v d इंटू क्या हो जाएगा t। ये कुल चार्ज हमको पता चला है, लेकिन हमें क्या निकालना है कि वैद्युत धारा का अनुगमन वेग में संबंध। यहाँ पर भी धारा नहीं प्राप्त है, तो धारा इक्वल टू वैद्युत धारा, तो चालक में प्रवाहित धारा वो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, Q की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो I इक्वल टू ये क्या हो जाएगा N E A V D इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा T, T से T क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू N E A V I इक्वल टू N E A V D। ये क्या होता है, यहां पर देखिए अनुगमन वेग Vd भी है और यहाँ पर धारा भी है, तो दोनों के बीच संबंध इस प्रकार से आ रहा है। अगर हमको प्रवाहित होने वाला कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम होता है। अगर हमको क्रॉस सेक्शन पता है और वेग पता है, तो धारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो यह जो है रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जब कोई चालक पदार्थ हो और उस चालक का क्रॉस सेक्शन क्या हो, ए हो, और उसमें वी वोल्ट की बैटरी लगी हो और उसकी लंबाई एल हो, तो अगर एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन एन है, तो टी समय में कितने प्रवाहित होंगे, एन ई ए वी डी, यहाँ पर एन वी डी ए इंटू टी के बराबर होगा। और कुल आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें कुल आवेश पता चल जाएगा। और धारा क्यू अपॉन टी होता है, वैल्यू रखकर आसानी से हम लोग इसमें रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे इसके। अब देखते हैं हम लोग धारा घनत्व तो क्या होता है। आइए हम लोग बात करते हैं धारा घनत्व तो की। धारा घनत्व तो, करंट डेंसिटी बात करेंगे। धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, होती है। अब देखिए करंट डेंसिटी का आशय यह है, जैसे हम लोग अगर डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ये घनत्व होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है वही उसका क्या होता है, घनत्व होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें ईंट और थर्माकोल दोनों है, तो उनमें किसका घनत्व ज्यादा है, तो ईंट का। क्यों, क्योंकि एकांक आयतन में ईंट मतलब ईंट के जो कण है उनके पार्टी कण क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है। तो करंट डेंसिटी के लिए हम लोग बात करेंगे कि एकांक क्षेत्रफल में, किसमें, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसे जे से डिनोट करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल या धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल किसका लिया जाएगा, जो वायर होगा उसका अनुप्रस्थ काट लिया जाएगा, अनुप्रस्थ काट, और क्या होगा, प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा और अनुप्रस्थ काट के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आएगी, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं, माना
चालक तार का, माना चालक तार का अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट ए है, ए मीटर स्क्वायर है, तथा प्रवाहित होने वाली धारा, तथा प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई है, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ए हो जाएगा। जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ए। अगर इसकी इसके मात्रा की बात किया जाए तो ये मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। देखिए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, और यहाँ पर अनुगमन वेग को हम लोग जान चुके हैं वीडी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, एन ई ए वी डी, वी डी मतलब V सफिक्स D रहेगा, एन ई ए वी डी। जबकि अभी हम लोग धारा घनत्व की परिभाषा से पढ़े हैं, धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से क्या होगा कि J इक्वल टू आई अपान क्या होगा, A होगा, J इक्वल टू आई अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे, एन ई ए वी डी और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई वी डी मतलब ए ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, J इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई वी डी आ जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर नोट पॉइंट ये हमको जानना है, नोट पॉइंट में हम लोग जब धारा पढ़े थे तो वहां पर धारा को हमने बताया था ये क्या होती है, एक धारा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, धारा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है या टेंसर राशि होती है। और यहाँ पर हम लोग जब धारा घनत्व पढ़ते हैं तो धारा घनत्व तो एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा घनत्व तो एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक क्या होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि हमको ये पता होता है कि एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसे प्रवाहित होती है, अभिलंबवत होती है। तो मतलब जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल एग्जैक्ट लंबवत प्रवाहित होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये धारा घनत्व क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। देखिए इसमें अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है गतिशीलता, वो क्या है, गतिशीलता मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है, किसी आवेश वाहक की अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र, जो उसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, वो किसी आवेश वाहक की अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। उस आवेश का क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे किसी आवेश वाहक की, किसी आवेश वाहक की अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसकी गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। यहाँ पर गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू
यहाँ पर Vt अनुगमन वेग हो गया और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है, तो E इक्वल टू ये हो गया। तो देखिए म्यूचुअल टू Vd अपान E हुआ, म्यूचुअल टू Vd अपान E हुआ, और हम लोग ये भी बात कर सकते हैं म्यूचुअल टू Vd अपान E हुआ और ये क्या है वेग है, और वेग में हम लोग बात कर सकते हैं म्यूचुअल टू अगर कोई आवेश किसी वेग से जा रहा है तो उसमें सिंपल सी बात है त्वरण भी होगा। मान लेते हैं यदि यदि आवेश आवेश ए त्वरण से जा रहा हो, ए त्वरण से जा रहा हो तो म्यूचुअल टू, अब देखिए यहां पर जैसे हम लोग त्वरण की परिभाषा जब जानते हैं तो ए इक्वल टू या त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, और यहां पर टाइम को हम लोग क्या लेंगे श्रांति काल लेंगे तो टाउ से प्रदर्शित करेंगे। तो Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू टाउ, तो Vd का स्थान क्या रह सकते हैं हम लोग म्यूचुअल टू ए इंटू टाउ अपान क्या हो जाएगा ई हो जाएगा ए इंटू टाउ अपान ई, और ए इक्वल टू देखिए ए क्या है एक्सेलरेशन है त्वरण है, तो हम लोग यहां पर जानते हैं या इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है। अगर जब वाय वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें क्या आता है एक प्रकार का फोर्स कहा जाता है, वो क्या होगा एफ एम इंटू ए के बराबर होगा, और यह एम इंटू ए अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ वन एम, एफ वन क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल टू ए का स्थान कितना रखेंगे एफ अपान एम इंटू क्या आ जाएगा टाउ अपान ई, और अब देखिए एफ के स्थान पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू ई इंटू ई या ई इंटू क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो वैल्यू यहां पर जब रखेंगे तो देखिए म्यूचुअल टू आ जाएगा ई इंटू ई अपान एम इंटू टाउ अपान ई, टाउ अपान क्या हो जाएगा ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो म्यूचुअल टू ई इंटू टाउ अपान क्या हो जाएगा एम, और यह रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो आज के लिए आप लोगों का टॉपिक यहीं तक, यह लेक्चर फर्स्ट है आप लोगों का, लेक्चर सेकंड और थर्ड तक आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा वैद्युत धारा तथा ओम का नियम, और उसके बाद हम लोग 5 और 6 में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पूरे जितने दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही।